तो यमुनानगर में सुबह एक हादसा हुआ जहां पर ट्रक की पेड़ के साथ टक्कर हो गई और धू धू कर जलता हुआ ट्रक नजर आया। नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के अमादलपुर रोड से। आज सभी को जानकारी दे दें कि आरटीए विभाग हर दिन की तरह आज भी सुबह सुबह चेकिंग कर रहा था। चेकिंग करने के दौरान एक दर्दनाक हादसा घट जाता है। आप सभी को जानकारी दे दें कि चेकिंग के दौरान उन्होंने एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक को पकड़ने के बाद अपनी टीम से 24 वर्षीय विशाल, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर का काम किया करता था, डीटीओ ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड वर्क किया करता था, वो भी उनके साथ मौजूद था। बताया ये जा रहा है कि 24 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी और आज विभाग जो है सुबह चेकिंग की कार्रवाई करता था, जिसमें वो एक ट्रक पकड़ लेते हैं और ट्रक को जो है चलान के लिए भेजा जाता है। तो उसमें जो ट्रक का ड्राइवर होता है और कंडक्टर होता है, और साथ में बताया ये जा रहा है कि विशाल भी उस ट्रक में सवार हो जाता है, जिसके बाद जो विशाल है उसके साथ जो है ट्रक में बैठकर आगे जाता है। तो वो ट्रक इस तरह के बड़े पेड़ से टकरा जाता है और बड़े पेड़ से टकराने के बाद जो है हादसा होता है, जिसमें ट्रक को अगले हिस्से में आग लग जाती है। और आग इतनी दर्दनाक होती है, आग इतनी तेज होती है कि दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जो है मौके पर आरटीए अधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मौके पर ये जानकारी मिल पा रही थी कि डीटीओ सुभाष चंद भी पहुंच चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा है महज ये के हादसे, और वहीं जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ हुई है, ये कहीं ना कहीं लापरवाही है जो विभाग की, उसके कारण हुई है। वहीं जो ड्राइवर हैं उनके परिजन भी पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है हिर्रा एक गांव है जो कि यूपी में पड़ता है, जिसके बाद ये दर्दनाक घटना सामने आई है। खैर, देखना ये लाजमी होगा कि विभाग इस तरह की गलती आखिर कैसे कर पाता है, महज ये हादसा है या फिर विभाग के द्वारा लापरवाही का एक बड़ा जो मामला है सामने आता हुआ नजर आता है। आइए देखने का प्रयास करते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह ये हादसा हुआ है। आप सभी को दिखाने का प्रयास करें कि मौके पर जो है क्रेन भी बुला ली गई है, क्रेन से जो है ट्रक को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। आज सुबह जो है आरटीए विभाग जो है डेली इस प्रकार की जो चेकिंग अभियान करता था, जिसके अंतर्गत जो है डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद एक हादसा जो है यमुनानगर के अमादलपुर रोड पर हो जाता है, जिसके बाद वहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहना है? हमारा था इसमें, हाँ हमारे था चाचा का लड़का। कितने लोग थे इसके अंदर? एक ही लोग था। अच्छा, तो क्या हुआ? अब मेरी गाड़ी तो आईटीओ पे चली गई। अच्छा। मैं तो बाद में आया यहाँ। अच्छा, तो उसकी डेथ हो गई है इसके? उसकी डेथ होगी। क्या नाम था उसका? आलिम। कितनी उम्र थी? उम्र का भी 32 साल करीब है। अच्छा। 32 हो 33। तो आपका क्या नाम है? मोहम्मद नाम है मेरा। तो ये गाड़ी आती की थी? हाँ हमारी है। तो आप देख ओवरलोड के वाहनों की चेकिंग पर थी, तो इस दौरान हमारी टीम ने 2 ओवरलोड वाहन पकड़े थे, जिसमें 2 हमारे जो कर्मचारी थे वो बिठा दिए गए थे अलग अलग गाड़ियों में कांटा करवाने के लिए, ताकि कांटा करवाएंगे ओवरलोड के हिसाब से उनको चलाने आ जाएगा। तो एक गाड़ी का तो कांटा करवा कर हमारी टीम दफ्तर में पहुंच गई थी। जो दूसरी गाड़ी थी उसमें ये लड़का विशाल था जो बैठा था, कंप्यूटर ऑपरेटर हमारा, वो लेकर आ रहा था और ड्राइवर गाड़ी को चला रहा था, जो कि ट्रक का मालिक था या ट्रक का ड्राइवर था। जो तो उसने जानबूझकर या बाई एक्सीडेंटली वो हादसा हुआ, तो गाड़ी में आग लग गई। आग लगने के बाद तो धुआं चढ़ने से, एक तो आग लगने से ड्राइवर की मौत हो गई, और जो तेज धुआं था और आग की जो लपटें थी उसमें तो हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर था। सर, आरोप ये लगा रहे हैं कि जो आपका कर्मचारी था वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं। ये कंडक्टर साइड ही बैठता है, हमारा ड्राइवर, हमारा कभी भी कोई भी कर्मचारी किसी दूसरी गाड़ी को नहीं चलाता। हादसे के पीछे कारण क्या था? जानबूझ के मारने का? वैसे नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो पुलिस जांच करेगी, जो भी जांच में सामने आएगा उसकी। स्थितियां काफी खराब हैं, घर वालों पर रो रो कर बुरा हाल है, परिजन जो हैं रोत रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। इस समय वो इस कंडीशन में नहीं होते कि वो बातचीत करवाए, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना है? उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। घर से कब निकले थे? कल सुबह के निकले आए, कल सुबह ड्यूटी आए थे जी। तो उसके बाद 24 घंटे करना पड़ता है, दिन रात करके।
तो सुबह 6 बजे के आसपास ही पता लग रहा है मुझे, सुबह 6 बजे के आसपास मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई। आपको सूचना किसने दी? सूचना मेरे रिश्तेदार का फ़ोन आया जी किसी का कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं पता लग गया कहीं से पता चला उसमें दो आदमी थे एक, तो पता लगा मैं वहाँ हॉस्पिटल गया जी, वहाँ जाके पता लगा तो उनकी गाड़ी का नहीं, तो जिस गाड़ी में जा रहे थे उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो जो दूसरा बंदा था वो साथ में वो कौन था? पता नहीं उसका, तो हमें यही पता लगा कि जैसे गाड़ी पकड़ता है ना तो उसके साथ एक अपना बंदा बैठा देते हैं साथ में, तो उसको लेके ताकि वो भागे ना बंदा, उसको लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। तो आपके भाई की डेथ वहाँ हॉस्पिटल में हुई है या मौके पे हुई? बस ये तो वही बता रहे कि साथ में साथ वही हो गए। जब आप हॉस्पिटल में उस वक्त डेथ हो चुकी है, क्या चाहते हैं आप? बता सकते हैं गलती के लिए ले जा रहे होंगे, जो हमें जानकारी मिली है उसमें जो लड़का था जो हमारे परिवार से है विशाल लड़का है। विशाल कितनी उम्र इसकी? सर 24 साल की उम्र है। शादीशुदा? नहीं जी, अनमैरिड है। क्या करता है? ये आरटीओ ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ था जी, वो आरटीओ साहब ने सोचा गाड़ी में बैठा दिया होगा, क्योंकि हमारे को जानकारी मिली भाई वजन कराने के लिए ले चलो उसको, तो वजन कराने ले जा रहे थे उस गाड़ी को, वो कहीं पेड़े में कैसे लगी, पेड़े में लगी गाड़ी, वो जानकारी नहीं मिली कैसे लगी, वो कहता है ड्राइवर ने मार ली, वो दे कैसा है बच्चा मारा लो, बच्चे गाड़ी में था उसको। तो सर हमारे तो मैसेज मिला है कि भाई इसका एक्सीडेंट हो गया, और ये भी जानकारी नहीं मिली भाई वो बच्चा चले गया, अभी जानकारी नहीं मिली हमें एक्सीडेंट के बारे में, पता लगा था मैं तो भी बस वाले में एडमिट है और एक्सीडेंट हो गया। तो दूसरा जो उसके साथ उसको जो हम अभी वीडियो के लिए देख रहे हैं जी, इसमें ना कुछ व्हाट्सएप पर चल रही है वीडियो, उसमें ट्रक में आग लगी है, वो तो उसमें मेरे हम उसमें जड़ा है दूसरा उसके बारे में जानकारी नहीं, ड्राइवर था जी गाड़ी का, गाड़ी भी कहाँ की है हम इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये किस टाइम का था? सवेरे का बताते हैं 5:30 बजे का। आपको सूचना कितने बजे मिली? मेरे को सूचना मिली सर परिवार के बच्चे ने फोन किया लगभग 8:30 बजे भी एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद हम पुलिस ने आपको फोन किया? नहीं सर पुलिस ने नहीं करा जी, मेरे को मेरे बेटे का फोन आया, बेटे मेरी रिश्तेदारी में था गया, उन्होंने एक्सीडेंट के बारे में बताया और ये कहा कि इस बच्चे का फोन हो फिर तुम्हारे बच्चे को फोन कराने वाला नंदगढ़ गाँव है जी। सर आरटीए विभाग के जो है डॉक्टर सुभाष सैनी जी, उनसे बातचीत हुई है इस बारे में जो प्रमुख है यहाँ यमुनानगर से? नहीं सर मेरे को सुबह नहीं। तस्वीर जो है वो साफ नहीं हो पा रही, आखिर गलती किसकी है, आरटीए विभाग की है या फिर जो है ट्रक चालक की है, लेकिन देखना लाजमी होगा कि इस प्रकार के हादसे जो है इन फ्यूचर में ना घटे। अब मुझ स्वयं को दे दीजिए इजाजत, तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे B24 के साथ। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।